But if you are near to my skin tone, then these lipstick will suit. वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी न्यूड लिपस्टिक्स जो कि डस्की स्किन के ऊपर बहुत अच्छे से सूट करेंगी एंड बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करेंगी उनकी स्किन टोन को, बिकॉज इट्स अ टास्क टू फाइंड अ न्यूड लिपस्टिक फॉर डस्की पर्सन्स। फेयर के लिए फिर भी यू कैन वर्क, बट फॉर अ डस्की पर्सन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ परफेक्ट न्यूड शेड फॉर यू गाइज। तो यहाँ पे मेरे पास आप लोगों के लिए कुछ ऑप्शंस है विच यू कैन ट्राई आउट इफ यू आर समवन हु इज ऑफ माय स्किन टोन। आई एम NC42 इन द मैक रेंज, 42 के नियर अबाउट ही हूँ, एग्जैक्ट 42 नहीं है, जस्ट गिविंग यू आइडिया। सो दीज आर फ्यू ऑफ द लिपस्टिक, सो आई एम गोना शेयर माई टॉप विद यू गाइज। एंड ऑल्सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल देन डू सब्सक्राइब, वी आर वेरी क्लोज टू 1000 सब्सक्राइबर्स। एंड या सो या विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्टिंग फ्रॉम द लोएस्ट टू द हाइएस्ट प्राइस रेंज से स्टार्ट करते हैं। सो सबसे लोएस्ट में आई एम हैविंग दिस इज ब्लू हेवन्स एलिगेंस मैट लिप कलर इन द शेड 07। दिस इज अ वेरी प्रिटी शेड, इट्स अ डार्क कलर नो डाउट, बहुत ज्यादा डार्क है। इफ यू आर फेयर पर्सन एंड यू आर थिंकिंग ऑफ अप्लाइंग दिस, देन इट विल लुक अ ब्राउन मॉवी शेड ऑन योर लिप्स। बट इफ यू आर अ डस्की स्किन पर्सन जस्ट लाइक मी, देन इट इज going to look like a mauve, dark mauve। But इसको nude बनाने के लिए what you can do is just apply बिल्कुल हल्का हल्का सा on your lips and you will get a very beautiful mauvey shade on your lips। I'll show you the shade। So this is the shade, but after trying ये थोड़ा सा light हो जाता है, इतना dark नहीं रहता है। And if you have applied this on your lips, तो आपके lips पे लगाने की trick है, just apply on your lower lips और finger से आप उसे tap करके पूरे अपने lips पे अच्छे से spread कर लीजिए। And this will work as a very good nude shade for your skin tone, it will complement you very nicely। The thing with these lipsticks is, so if you have pink lips, then for example if you have pink lips, then if you apply this lipstick, तो द लिपस्टिक विच यू हैव ऑन योर लिप्स विल बी हैव अ लिटल पिंक अंडरटोन। अगर आपके रेड लिप्स हैं, इट विल हैव अ लिटल रेड अंडरटोन। अगर आपके ब्राउन या फिर डार्क या फिर पिगमेंटेड लिप्स है, इट विल टेक दैट कलर। सो दिस इज द थिंग विच कैन बी अ वेरी गुड थिंग फॉर सम पीपल एंड मे बी अ डिसएडवांटेज फॉर द अदर, बट फॉर मी इट्स अ एडवांटेज। सो दिस इज द फर्स्ट लिपस्टिक एंड दिस रिटेल्स फॉर आई गेस 110 रुपीज। सारी लिपस्टिक्स का प्राइस आपको यहाँ मिल जाएगा एंड ऑल्सो द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो मेक श्योर टू चेक दैट आउट। So then I have another lipstick, this is a bullet one, so this is from the range Lakme Enrich Matte Lipstick and this is in the shade RM11. So if you will see, you will find this lipstick is a dark one, or real life if you will see, ye aapko bahut dark lagegi। Also giving a disclaimer pehle hi, if you are a person who is on the fair undertone, on the fair skin tone, then अगर आप कोई न्यूड लिपस्टिक, अगर मेरी शेड की कोई न्यूड लिपस्टिक अप्लाई करेंगे अपने लिप्स के ऊपर, दैट विल लुक डार्कर ऑन योर लिप्स एज कम्पेयर टू माई लिप। दिस इज समथिंग विच यू शुड टेक इन माइंड। और लिप्स की, आपके लिप्स का जो ओरिजिनल कलर है, उस पर भी बेस्ड होता है कि वो लिप कलर आपके लिप्स के ऊपर कैसे दिखने को मिलेगा। ओके, सो दिस वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन माई दिसंबर फेवरेट। So this is the shade of Lakme Enrich Matte Lipstick, which is RM11. It is a little darker, but lips pe, as I told you, आपको work करना आना चाहिए lipstick से साथ, and if you know how to work, how to play the game with your lipstick, then your life is sorted. So this is a lipstick, it stays on your lips for like 5 to 6 hours. And after that, it start getting fade away. But the thing about these lipsticks is it fades evenly. Puri lip se acche se jaati hai. I love this shade. This is a very go-to shade for dusky skin girls as a nude one. But if you are a fair one, this will be a very, very dark shade for your lips. So, yeah.
सो द नेक्स्ट शेड इज दिस, दिस इज Miss Clear Soft Matte Lip Cream in the shade 58. This is a universal nude shade. If you are a fair person, if you are a dusky person, if you are a medium skin tone person, it is going to be the perfect nude for your lips. ये बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा like I can't tell you the shade exactly because this shade is so nice. मुझे इस शेड को एक्सप्लेन करना जिंदगी में कभी नहीं आया, बट इट्स अ वेरी लाइट अंडरटोन मॉव शेड एंड इट हैज अ लिटिल ब्राउन इन इट, इट हैज अ लिटिल मॉव इन इट. वेरी स्टनिंग बिकॉज ऑल द कलर्स आर मिक्स्ड सो वेल इन अ वेरी परफेक्ट क्वांटिटी. इसकी स्टेइंग पावर इज नॉट दैट मच, बट इट स्टेज फॉर अ एवरेज पीरियड ऑफ टाइम. ऑल्सो दिस लगाते टाइम इट गिव्स अ वेरी सॉफ्ट फिनिश, बट वंस इट्स ड्राई इट्स कंप्लीटली ड्राई. ये बिल्कुल लिक्विड लिपस्टिक वाली ही फील देती है वंस इट्स ड्राई. एंड वेरी स्टनिंग कलर, वेरी वेरी गुड, वेरी कॉलेज फ्रेंडली, एवरीडे फ्रेंडली सॉर्ट ऑफ लिपस्टिक फ्रॉम नायका. सो क्रैम लिपस्टिक्स एंड दिस इज इन द शेड डेजा न्यूड. इट इज अ वेरी प्रिटी न्यूड शेड फॉर आर डस्की स्किन टोन. इफ यू आर फेयर वन इट विल बी अ डार्कर शेड फॉर योर लिप्स, बट फॉर आर स्किन टोन इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल न्यूड शेड. यू नो पता है क्या, आपको ना शेड के साथ वर्क करना आना चाहिए. आप हर शेड के साथ अपने स्किन टोन से की कलर के अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हैं, बस आपको ट्रिक आनी चाहिए उसको यूज करने की. इफ किसी इंसान के लिए लिपस्टिक बहुत ज्यादा डार्क है, देन जस्ट डू द टैपिंग मोशन ऑन योर लिप्स एंड इट विल गिव अ लिटिल कलर और आपके लिए वो न्यूड बन जाएगा. इफ यू वॉन्ट टू यूज दिस लिपस्टिक डार्क की तरह से, देन जस्ट लेयर इट वन टू और थ्री टाइम्स ऑन योर लिप्स. द फॉर्मूला इज वेरी क्रीमी, इट हैज अ लिटिल शाइन, वेलवेटी शाइन ऑन आफ्टर अप्लाइंग, एंड वो शाइन काफी देर तक रहती है, वो जाती नहीं है. ऑल्सो जब वो शाइन चली जाती है और इसको लगा बहुत टाइम हो जाता है, स्टिल योर लिप्स हैव दैट कलर ऑन देम. नेक्स्ट लिपस्टिक इज दिस, दिस इज नायका, दिस इज फ्रॉम द लिक्विड लिपस्टिक रेंज एंड दिस इज इन द शेड 05 मद्रास कापी. इट इज अ वेरी 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 ब्यूटिफुल शेड इफ यू आर समवन हु इज जस्ट ऑन माई स्किन टोन. इफ यू हैव इवन अ स्लाइटली लाइक 0.5 darker than me, then it will wash out. But if you have exact my skin tone and fairer than me, then this is going to look very, very beautiful on your lips. The time I purchased that, मुझे ये सच में लगा था यार ये क्या shade है, it is washing me out because I was not getting the right way to use this lipstick and also at that time I was a little tan, so that's the reason कि मुझे ये थोड़ा washing out लग रहा था. But now it's a very, very gorgeous shade. So this is the shade. If you can see, it has a little brown undertone, so it's a very brownie undertone lipstick, a very lighter brown color, and it's a very water based formula. And it, और जब एक बार ये color आपके lips के ऊपर dry हो जाता है, then you are good to go. It is non transferable. It lasts for a longer period of time, and the shade is very beautiful. It's a very everyday kind of lipstick. And if you're a person जो 3-4 nude lipsticks को mix करके अपना perfect shade लाने की कोशिश करता है, so उनके लिए ये बहुत अच्छी है. Do not try to mix and match. If you have no time to mix and match, then just take this and you are good to go. After that, last but not the least and the most amazing shade, the second most amazing shade from this whole collection which I have shown you is this. This is Wet n Wild Give Me Mocha. एंड इसके बारे में आई हैव नो आइडिया कि मैंने कितनी बार इसके बारे में बात किया होगा आप लोगों से मेरी इंस्टा स्टोरीज पे, मेरी न्यूड लिपस्टिक कलेक्शन पे, या फिर हर चीज में आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस लिपस्टिक एंड आई एम कंटिन्यूसली इन लव विद दिस. इससे लाइक दो लिपस्टिक, वन इज मिस क्लियर इन द शेड 58 एंड दिस वन, इनसे बेटर शेड मुझे अभी तक मेरी स्किन टोन को मैच करने वाला नहीं मिला है. आई एम जस्ट सो थैंकफुल टू बोथ companies for making such beautiful shades, and this will complement all the skin tones. If you are fair one, it will look a little darker and little peach on your lips, but if you are a dusky skin person, it will go as a very nude shade on your lip, and it will complement every look of yours. Stays for a longer period of time. ये लगाने के बाद जब dry हो जाते हैं उसके बाद ये transfer नहीं होती है, ये fade बहुत rare होती है, like बहुत time लेके fade होती है. It is a very long lasting one, and it survive basically it survive for a longer period of time, whether you are eating oily food,
or anything, it survives in comparison with other lipsticks. So yeah, this was my top lipsticks, which I will highly suggest a dusky skin person to own. And also, if you are fair one, there are few shades, there are all the shades which will suit you, but there are very few shades which will look nude on your lips. So yeah, that's it for this video. I hope aap logo ko mera ye video pasand aaya hoga. If you do so, then please like, comment, share and subscribe to my channel. Also comment mein ek heart zarur, taki I'll come to know that you have watched the video till end. And yeah, so main aap logo se milungi apni agli video mein. Tab